नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान, देखिए नमस्ते राजस्थान की पूरी न्यूज रिपोर्ट। आज जब मैं यहाँ से गया, आप प्रेस के लोग सब मेरे मित्र हैं, तब आपने पता नहीं क्या किया। और जब दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली की उनकी यात्रा पहले से तय है। अशोक गहलोत जी खुद कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली जाएंगे। लेकिन आप इस तरह के ख्याल अफवाहें फैलाते हैं वैसा कुछ नहीं, ठीक है। दिल्ली अभी 5:30 बजे दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। सुबह मैं मेरे घर पे आपको पूरी बात बता चुका हूँ। ये हमारा एक परिवार है और 102 विधायकों की भावना संगठन को, नेतृत्व को बतानी होगी तो सारी बताएंगे। 102 विधायकों के ये अभिभावक है। 102 विधायकों ने उनसे कहा था माइक नीचे कर लो, हमारा सम्मान थोड़े नीचे कर लो, जनता की आवाज, अभी राजस्थान के विधायकों की आवाज उठाना आपका काम है और वो काम वो करेंगे, क्योंकि उन्होंने जबान दी थी राजस्थान के 102 विधायकों को। उनकी सारी बात हमारे केंद्रीय नेतृत्व से वो कहेंगे। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है। राहुल जी की पदयात्रा चल रही है, पूरा देश कांग्रेस की तरफ देख रहा है। कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस मोदी सरकार के जुल्म के खिलाफ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में लड़ती रहेगी। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में काम करते रहेंगे हम सब। और इतना कह सकता हूँ, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और नफरत की जो राजनीति बीजेपी कर रही है उसका जवाब देने के लिए राहुल गांधी सड़कों पर उतरे हैं। पूरे देश में कांग्रेस तिरंगे को अपना धर्म मानती है। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता डेमोक्रेटिक सिस्टम में भरोसा करते हैं। खुद राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं पार्टी में बीजेपी के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो गई, लेकिन कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेसी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता की विधायक की आवाज सुनी जाती है, उसी के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 102 विधायकों की आवाज दिल्ली तक हमारे केंद्रीय नेतृत्व। नामांकन का जहाँ तक सवाल है, वो भरेंगे नहीं भरेंगे ये सब अशोक गहलोत जी को पता है या केंद्रीय नेतृत्व को पता है, ये मेरी जानकारी में नहीं है और ये हमारा डिस्कस नहीं हुआ। माइक नीचे कर लो। यार कब मुलाकात होगी? दिल्ली जा रही है 5:30 बजे वो जा रहे हैं, अब कब मुलाकात होगी? दिल्ली जाने पर मुख्यमंत्री जाते हैं तो मिलते हो गए। माइक नीचे कर लो। अरे स्पीकर के पास इस्तीफे पड़े हैं, एमएलए जो तो आपको पता है, स्पीकर सिक्की जोशी जी मिले हैं और स्पीकर सिक्की जोशी जी भी मिले हैं, मैं भी मिला हूँ। डोटासा जी भी वहीं पर थे, धारीवाल जी भी वहीं पर थे, महेश जी भी वहीं पर थे, रफीक खान जी थे, सब लोग, कई लोग मिले हैं मुख्यमंत्री से, रोज मिलते हैं। आज कल नई बात चालू तो होगी, अभी इन दिनों में रोज मैं मुख्यमंत्री जी के पास रहने जाता हूँ। हमारे तीन नेताओं को जो नोटिस मिले, चांदनी धारीवाल जी हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं, हमारे हनुमान जी हाथ को नीचे रखो, उनको जो नोटिस मिले वो समझदार है। हमारे परिवार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में वो नोटिस है, नोटिस देना उनका अधिकार है, उनका हक है। हमारे नेता अपने परिवार के सदस्यों को, कार्यकर्ताओं को नोटिस देंगे तो उसका जवाब वो देंगे। हमारे नेतृत्व का सम्मान करते हैं, कांग्रेस का सम्मान करते हैं। अजय माकन जी खड़गे साहब हमसे दूर नहीं है, ना सोनिया गांधी, हमारे परिवार के सब हमारे परिवार के लोग हैं और उन नोटिसों का जवाब वो लोग दे देंगे। बाद में मुख्यमंत्री जी के साथ कौन कौन जा रहा है 5:30 बजे पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री नहीं, मैं नहीं जा रहा। मुख्यमंत्री जी तो अकेले भी जाते हैं दिल्ली में। अशोक गहलोत जी दिल्ली के खिलाड़ी हैं, राजस्थान के खिलाड़ी हैं, 3 बार के चीफ मिनिस्टर हैं, देश की राजनीति को समझते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। मुख्यमंत्री अभी आज कोई डिजाइन नहीं कर रहे हैं,
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहे नमस्ते राजस्थान न्यूज। आपसे निवेदन है हमारे इस वीडियो जैसा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।